मैंने एक वीडियो बनाया था इंच टेप के बारे में। उस वीडियो के अंदर मैंने सूत क्या होता है, इंच क्या होता है, फिट क्या होता है, एमएम क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने उस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताया है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला है कि जो 16, 32, 48 इंच के ऊपर जो मार्किंग आता है वह क्यों आता है और वह कहाँ पर यूज़ होता है और वो किस लिए आता है, क्यों आता है। सो इस मार्किंग के बारे में हम आज बात करने वाले हैं और साथ में ये भी सीखेंगे कि हर एक एक फिट के ऊपर जो मार्किंग आते हैं वह क्यों आता है और जो हर एक 10-10 सेंटीमीटर के ऊपर जो मार्किंग आता है इसके बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब आप ये देख सकते हो मेरे पास ये एक इंची टेप है, तो इसको हम खोलते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को दिखाई देता है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये मार्किंग हो रहे हैं और यहाँ पर ये मार्किंग हो रहे हैं और ये 12 इंच पर मार्किंग हो रहा है और ये 16 इंच पर मार्किंग हो रहा है। मार्किंग कोई भी कलर का हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस MM के बारे में कि यहाँ पर ये मार्किंग क्यों हो रहा है। अब आप ये देख सकते हो 1, 2 और ये 3, 4, 5, 6, तो इस तरीके से ये आपके आपको ये दिख रहा होगा। तो यहाँ से हमें कुछ दिख रहा नहीं है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में 10 mm हो रहे हैं, तो 10 mm मिलकर 1 cm होता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम यहाँ से गिन लेते हैं 1 cm, 2 cm, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर ये 10 cm हो गया। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ये मार्किंग हो रहे हैं 10 cm का। तो इस तरीके से हम आगे भी और देख लेते हैं, यहाँ पर ये 10 cm हो गया, ये 20 cm हो गया और ये 30 cm हो गया, ये 40, 50, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको सेंटीमीटर का मार्किंग मिल जाएगा। सो ये तो अपने MM के ऊपर बात होगी कि ये मार्किंग क्यों आते हैं और अब हम जानते हैं कि ये 1 फिट के ऊपर ये मार्किंग क्यों आ रहा है और ये 2 फिट के ऊपर भी मार्किंग क्यों आ रहा है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये 12 इंच मिलकर 1 फिट होता है, तो इसके लिए यहाँ पर ये 1 फिट होता है तो यहाँ पर ये मार्किंग दिया हुआ है। इस प्रकार से हम आगे भी देखेंगे तो ये 2 फिट हो गया, 3 फिट हो गया और ये 4 फिट हो गए। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो हर एक फिट के ऊपर आपको ये मार्किंग मिल जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि ये 16 इंच के ऊपर ये मार्किंग क्यों आ रहा है और आगे भी देखते हैं तो ये 32 इंच के ऊपर मार्किंग आ रहा है और आगे भी और देखते हैं तो ये 48 इंच के ऊपर ये मार्किंग क्यों आ रहा है। हालाँकि यहाँ पर ये रेड आ रहा है और यहाँ पर ये ब्लू वाला मार्किंग आ रहा है, तो इसमें एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जो भारत से बाहर जो अदर कंट्रियां हैं वहाँ पर जो कोई छोटा मोटा मकान बनाते हैं जैसे कोई झोपड़ी टाइप हो गया, तो खास तौर पर वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है, अब जैसे ये एक दीवार है, ये कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जो पानी से ख़राब नहीं होता है, बाकी प्लाइयाँ लगाते हैं तो वहाँ पर वो ख़राब हो जाती है। तो अब जैसे ये 4 फिट की प्लाई है और ये 8 फिट की प्लाई है, तो सेम 4x8 की प्लाई वो लोग यूज़ करते हैं और यहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं वो यहाँ पर मार्किंग लगा देते हैं, जैसे ये 16 इंच हो गया और ये 32 इंच हो गया और ये 48 इंच हो गया, तो यहाँ पर वो लोग सपोर्ट रख देते हैं इस तरीके से ताकि उनको ज़्यादा इतनी घड़ी ना लगानी पड़े, इस तरीके से वो यहाँ पर ये सपोर्ट रख देते हैं तो उनको थोड़ा काम करने में आसानी रहती है। हालाँकि वो लोग इस तरीके से माप के भी मार्किंग कर सकते हैं, जैसे 16 इंच हो गया, 32 इंच हो गया, तो उनको थोड़ा ये थोड़ा माइंड में लोड पड़ता है कि 16 इंच का पावड़ा बोलना पड़ता है, 16, 16 दोनों 32, 16 3, 8, 4, तो इस तरीके से थोड़ा माप के उनको मार्किंग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर वो बिना मापे ही सोचे समझे डायरेक्टली मार्किंग कर देते हैं, जैसे यहाँ पर टेप को टच किया और 16 इंच पर मार्किंग लगा दिया, धड़ाधड़ 32 इंच पर लगा दिया, इस तरीके से वो लोग माप को नहीं देखते हैं, वो लोग केवल यहाँ पर ये एक ब्लैक निशान को देखते हैं, हालाँकि यहाँ पर ब्लू वाला निशान भी हो सकता है, तो इस तरीके से वो लोग ये मार्किंग को देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये 16 इंच है और ये 32 इंच है, उनको ये केवल मार्किंग से मतलब है, तो इस तरीके से वो मार्किंग करते हैं। और यहाँ पर ये 48 इंच का ये आ गया अपना, तो यहाँ पर भी ब्लू होना चाहिए, रेड क्यों है, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट फिट के अंदर यहाँ पर ये बराबर आ रहा है 48 इंच के ऊपर, तो इसलिए यहाँ पर ये फिट के हिसाब से यहाँ पर ये रेड मार्किंग है। और आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर ये वापस ब्लैक वाला मार्किंग आ गया है, तो यहाँ पर ये 5 फिट हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर ये रेड मार्किंग है। हालांकि आप भी अगर कोई मार्किंग करते हो तो इस निशान को देखकर आप मार्किंग कर सकते हैं, जैसे आपको पहाड़ा नहीं बोलना रहता है 16 × 16, 16 × 32, 16 × 48, इस तरीके से आपको ये नहीं करना है। सो यही एक मतलब है इस मार्किंग का और बाकी कोई मतलब नहीं है। हालांकि अपने भारत में तो कोई ऐसा मकान नहीं बनता है लकड़ी का, और बनता भी होगा शायद, मुझे नहीं पता है, और जहाँ तक मुझे ध्यान है तो इस मार्किंग का यही मतलब है
अगर आपको इससे भी अच्छा कोई आपको अगर नॉलेज में है तो प्लीज़ मुझे भी बताएं। जहाँ तक कि मुझे पता है तो यह मार्किंग उन सपोर्ट जो प्लाई के जो मकान बनाते हैं सपोर्ट रखते हैं उनका ही यह मार्किंग है, बाकी इस मार्किंग का और कोई भी यूज़ नहीं है और ये कहीं पर भी ये मार्किंग अपना काम नहीं आता है। सो ये एक छोटी सी जानकारी है जो मैंने आपको बताई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।